अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। शाम का वक्त है, बच्चों की फरमाइशें चलती हैं इस टाइम पे, कभी रोल कभी सैंडविचेस, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है शाम में। आज मैंने सोचा कुछ अलग हो जाए, उनके विटामिन उनको मिल जाए और कुछ टेस्ट भी अच्छा मिल जाए उनको। तो मैंने सोचा कि ना मालपुए बनाए जाए, इसको मालपुआ भी कहा जाए। तो ये ट्रेडिशनल डिश है, दादी और अम्मी भी बहुत बनाया करती थी। दादी मुझसे पूछे तो वो बताती हैं कि जौ के आटे से पकौड़े बनती थी ना, वैसे बनाए जाते हैं और इसको शहद से खाया जाता था। जैसे जैसे गुजरात में आती चली गई, मीठी होती चली गई। आइए मैं आपको मालपुए की रेसिपी बताती हूँ। एक कप हमने शुगर ली है और उसके साथ हमने लिया है एक कप दूध, एक कप मैदा, चार अंडे लिए हैं हमने, एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा जर्दे का रंग ताकि पीला कलर आ सके, और थोड़ा सा हनी हमें चाहिए होगा उसके साथ। सबसे पहले हम दूध डालेंगे। उसमें हमने शुगर ऐड की है, इसको हम बीट कर लेंगे अच्छे से। या तो हम दूध को पहले बॉईल कर लें या फिर इसको इतना चीनी के साथ मिलाएं कि चीरा और दूध और चीनी एक जान हो जाए। अब इसमें चार अंडे मिक्स कर लें। इसको अच्छे से फेंट लें। देखिए इतना अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें हनी मिक्स करूंगी, 1 टेबल स्पून। हनी डाला है। अब मैं इसमें मैदा मिलाने जा रही हूँ। 1 कप हमने मैदा लिया था, हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। 1/2 कप करके हम इसमें मैदा मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा जो मैंने निकाला था 1 टेबल स्पून, अब इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा हरदे का रंग जाएगा। अब इसको बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं थोड़ा सा हरदे का रंग है वो डाल रही हूँ। अब इसमें कोई लम्स मौजूद नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इसमें लम्स ना रह जाए। तेल या घी में से आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने घी लिया है ताकि ये टेस्टी बने। बच्चों के साथ से मुझे ही बहुत पसंद है मालपुआ, बहुत मजे की रेसिपी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको देखिए मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसको लाइक करें और अपनी कमेंट राय से जरूर आगाह करें कमेंट बॉक्स में। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।